हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को डबल बूट कैसे कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, विंडो 10 और मैंने 11 से डबल बूट कर रखा है। तो आप चाहे तो कौन सी भी विंडो से कर सकते हैं, 7 हो या 8 हो या 10 हो या 8 वर्सेस 10 हो या 11 वर्सेस 10 हो, तो यहाँ पर कोई से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ विंडो 10 ओपन करके और विंडो 11। तो इसी तरीके से आप अपने आसानी से लैपटॉप या कंप्यूटर में डबल बूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिना स्किप के वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप कोई से भी स्टेप जो है मिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लैपटॉप पे। आने लो डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर का आइकन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, विंडो में राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा डिस्क मैनेजमेंट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसने यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपकी जितनी भी मतलब जितनी भी जीबी की हार्ड डिस्क होगी तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं माई फाइल पे ले चलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने मैं अपनी विंडो जो है यहाँ पे आप इसने अभी यहाँ पे मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ। अब मुझे इसमें डबल बूट करना है, वो विंडो 10 और 11 से चाहिए, तो मेरी विंडो 11 इंस्टॉल है। तो अब मुझको विंडो 10 से डबल बूट करना, मतलब विंडो 10 इंस्टॉल करना है। तो आपको चेक कर लेना किस भी पार्ट आपको किस पार्टीशन में विंडो 10 इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ फाइल पे जाके, तो यहाँ पे मैं इसे बड़ा सा साइज कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे मेरा इसमें और इसमें डाटा है मेरा और यहाँ पे मेरी विंडो इसमें 11 है। तो आपको इन दोनों में अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं। मेरे इसमें डाटा है इसलिए मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा, तो इसे रहने दूंगा, मुझे विंडो इसमें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज है 146 और ये ई है। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ इसमें। अब यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट में दिखेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरा ई साइज है, ये है ई और 146 है मेरा साइज, यहाँ पे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। जैसे जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपको किसमें विंडो इंस्टॉल करनी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि विंडो इंस्टॉल करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना, अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना। तो मैं लैपटॉप को सिंपली शट डाउन कर देता हूँ और फिर आपको अपना पेन ड्राइव को बूटेबल कर लेना है। फ्रेंड्स, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद आपको पेन ड्राइव को बूटेबल कर लेना है, जो सी भी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पर इसने मेरे लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल थी, अब मुझे विंडो 10 से बूटेबल करना है, क्योंकि मुझे विंडो 10 इंस्टॉल करनी है। तो मैंने अपने पेन ड्राइव को 10 से बूटेबल कर लिया। अगर आपको बूटेबल करना नहीं आता तो मैंने इस पर पहली वीडियो बना के रखी है, आप वो वीडियो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हैं, जो सी भी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है। तो मैंने विंडो 10 से इंस्टॉल कर रखा है, बूटेबल कर रखा, तो मुझे विंडो 10 इंस्टॉल करना है। अब आपको सिंपली अपने लैपटॉप में लगा लेना है, तो यहाँ पर इसने मैंने अपने लैपटॉप में लगा दी। अब आपको पावर बटन प्रेस करना है और आपको बूट की प्रेस करना है अपने लैपटॉप की। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका बूट की कौन सा है, तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर देना है अपने लैपटॉप का नेम, जैसे मेरा एसर रखा है, तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एसर बूट की, तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो मेरा F12 है, तो यहाँ पर मैं F12 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसने मैंने F12 प्रेस कर दिया, तो फिर यहाँ पर इसने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने मेरी जो पेन ड्राइव थी वो HP की थी, तो यहाँ पे शो कर रहा है USB SSD HP और यहाँ पे बूट मैनेजर मेरा ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे माउस आपका वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से ऊपर और अप और डाउन करना है। तो यहाँ पे मैंने डाउन कर लिया, अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया और आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रहने देना है डिफॉल्ट में, और यहाँ पे इसने आपका माउस जो टच पैड है वो काम कर सकता है नहीं भी, तो मेरा यहाँ पे फिलहाल में काम कर रहा था, यहाँ पे मैं टच पैड से ही काम चला ले रहा हूँ, कीबोर्ड से नहीं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो ओपन हो रहा है, और फिर यहाँ पर आपको वो जो मैंने आपको पहले बताया था लोकेशन आपको जो डिलीट कर देनी है जिस भी पार्टीशन में आपको विंडो इंस्टॉल करना, अब यहाँ पर आपको वो काम आएगा। यहाँ पर आपको एग्रीमेंट आ गया, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आपको ये मेन चीज़ आ गया कि आपको विंडो किस डिवाइस में इंस्टॉल करनी है, मतलब किस हार्ड डिस्क में। यहाँ पे मैं आपको कस्टम पे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखते हैं सेम आपका इंटरफेस वैसे ही आ गया जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इसने अनलोकेटेड आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं मैंने जो पार्टीशन आपको डिलीट करके दिखाया था 146.5 GB का, तो ये इसलिए मैंने डिलीट करके दिखाया था कि तुरंत आपको पहचान में आ जाएगा अनलोकेटेड ये है पार्टीशन। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको कोई और पार्टीशन को डिलीट करना है
या आपको डिलीट करके क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। तो मुझे अपना डाटा डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई से भी पार्टीशन को इधर से उधर या डिलीट करेंगे तो यहाँ आपको जो भी डेस्कटॉप या डाउनलोड फोल्डर में डाटा है वो डिलीट हो सकता है, इसलिए मेरे को नहीं करना है। मैं सिंपली यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो मेरी विंडो 10 है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम इसमें मैक्सिमम टाइम इसमें 5 मिनट लगता है। तो ये भी आपके प्रोसेसर और लैपटॉप पर निर्भर करता है। और यहाँ पे आपको इसी में टाइम लगेगा गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इसमें आपको टाइम लगेगा। बाकी इंस्टॉलेशन फीचर्स और इंस्टॉलेशन अपडेट में आपको गेटिंग फिनिश में कोई टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 100% होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं 100% कम्प्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी कम्प्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन अपडेट्स में भी कुछ टाइम नहीं लगा और ना ही इंस्टॉलेशन फीचर में अपडेट लगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपको ये स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो टाइमिंग चल रहा है उसमें आपको पेन ड्राइव अपनी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने अपनी पेन ड्राइव को निकाल लिया, HP की पेन ड्राइव। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है वो 1 से 2 बार रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं मेरा ब्रांड आ गया, मतलब जो भी लैपटॉप आ गया ऐसे देख सकते हैं जो मेरे विंडो 10 है। यहाँ पे आपको जिसने ऑप्शन आ गया, यहाँ पे इसलिए विंडो 10 आपको यूज़ करना है या विंडो 11 यूज़ करना है। तो मुझे अभी 10 यूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं 10 पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम 10 को ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर और सिस्टम जो भी था सर्विस सब डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जिसने मैं वेट कर लेता हूँ। और इसे पूरा सेटअप करके आप विंडो 10 और 11 दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी चला के विंडो 10 और विंडो 11 को दोनों एक साथ यूज़ करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स बने रहे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहले इसका आवाज़ जो है वो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे वॉइस कमांड भी देके आप सिलेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे वॉइस में ऑन हो गया, अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे इंडियन बोलेंगे तो यहाँ पे आपका इंडियन सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वॉइस को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभार डिटेक्ट करेगा, सही से डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने मैनुअल से जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इंडियन बोल देता हूँ, आई आई आई, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं इंडिया से सेलेक्ट करूँगा। आप जो से भी कंट्री से करता हूँ तो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली इंडिया, और यहाँ पर मैं यस पे क्लिक कर लूँगा। और फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा सा जस्ट मूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पर इस आपको कौन सी की बोर्ड चाहिए, तो मुझे इंग्लिश इंडिया चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर देता हूँ, मतलब यस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको कोई दूसरा की बोर्ड चाहिए तो यहाँ पर आप एड लेआउट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कोई दूसरा कीबोर्ड नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं अपने लैपटॉप जब ऑन होगा तब ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका फिर से जस्ट मूवमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे आपसे इंटरनेट पूछ रहा है कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मेरे को इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना, तो आई हैव नॉट इंटरनेट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर जिससे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसने इसका कुछ टेंशन कंडीशन है। यहाँ पर इसने अगर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहता हूँ दोबारा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं कनेक्ट करना करना है। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें विंडो के जितने भी अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना, अगर आपके पास वाईफाई है तब आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करना चाहिए, जब आपका लैपटॉप ऑन हो जाए उसके बाद आप अपने विंडो को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, मैंने टाइप कर दिया पीयूष, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर ले जाता हूँ। और यहाँ पर आपको पासवर्ड कह रहा है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड नहीं क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर कर देता हूँ। फिर से यहाँ पर जिस टाइम मूवमेंट आ गया, तो यहाँ से आपसे प्राइवेसी है सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसने आपको फिर से एक्सेप्ट कर लेना, तो यहाँ पर मैंने फिर से एक्सेप्ट कर लिया, सर्विस है ये। तो अब मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो विंडो 10 है वो ओपन होने वाला कुछ ही देर में। तो फिर आपको लाइव प्रूफ में आपको विंडो 10 11 दोनों चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हाई लिख के आ गया मैसेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो जो मेरे 10 है इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसे आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने विंडो 10 इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसे सेटअप करता हूँ, सिंपली विंडो 11 करके सटडाउन होने के बाद यहाँ पे फिर से मैं पावर की प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे मैं विंडो अब 11 सेलेक्ट करूँगा। तो आपको विंडो 10 और विंडो 11 सेलेक्ट करने के लिए आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसने आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे आपको 30 सेकेंड मिलते हैं। आप 30 सेकेंड में सेलेक्ट कर लेंगे तो ठीक है, वरना आपको फर्स्ट वाला जो भी होगा उस पर वो टिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं विंडो 11 सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने विंडो 11 सेलेक्ट किया, तो मेरे विंडो 11 में पासवर्ड लग रखा है। तो यहाँ पर इसने ओपन होने से पहले यहाँ पर मेरे से पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे जिसने वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, यहाँ पे मेरा विंडो जो 11 है वो इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे इसने लाइट प्रो, अब मेरे यहाँ पे विंडो 11, आप यहाँ पे इसने जितने भी सारे डाटा था वो कोई से भी उड़ानी जैसे का डेस्कटॉप था वैसी है। तो इसी तरीके से आप विंडो 11 और 10 को डबल बूट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप विंडो 10 और 11 को ही कर सकते हैं, विंडो 7 और 11 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, 8 और 10 को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।